ಬೀದರ್ ನಗರದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಹಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಂಬ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವಾಹನಗಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರದ ಹಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ ಜೆಜೆಆರ್ಪಿ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. उसकी वजह से यहाँ पे जो भी अगर पेशेंट है या फिर जो भी जिसको भी हॉस्पिटल जाना है या कहीं किसी काम को जाना है, किसी बच्चे को कॉलेज जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ये इतना सब घुट कर रखे तो छोटे बच्चे कैसा जाना है? एक तो कुछ भी नहीं आता इधर, ऑटो ऑटो नहीं आता. चलो भी कार में लेकर जाएंगे बोले तो भी रस्ते नहीं है, पूरे आगे से पीछे तो सब पूरे रस्ते बंद है. एक एक आदमी बमुश्किल गाड़ियाँ लगा के दूर दूर पैदल चले थे जा रहा. अब मस्जिद को भी जाना है बोले तो आदमी को बहुत मुश्किल है. कैसा आना रास्ते दिखा सकते हैं आप? रास्ते देख सकते हैं इधर की उधर की, कहाँ से आना? मस्जिद पूरा बंद है. अब आना कैसा आदमी? अगर पेशेंट को यहाँ तक लिखाने की भी कोशिश करें तो आधा रास्ता तो छोड़ो, घर से निकलते निकलते करें गली भी पार करने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में पेशेंट का दम मिल जाएगा. तो इसके लिए बीदर CMC कमिश्नर से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप थोड़ा सा आकर हमारे महल्ले का जायजा लेकर हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें. जब से ये कॉलोनी बनी है रोड भी नहीं है यहाँ पर ठीक तरह से. यहाँ पर जो आने के लाइट सही नहीं है, रात के टाइम आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है. रात में यहाँ पर, रात में तो छोड़ो, दिन में भी ऑटो आने के लिए यहाँ पर डरते ऑटो आने के लिए, क्योंकि एक तो रोड ठीक नहीं है और रात का तो मौसम पूछो ही मत. अभी तो बारिश का भी मौसम है तो पब्लिक को कितना प्रॉब्लम हो रहा बोलकर ये समझ सकते कोई भी. तो बीदर के जो CMC कमिश्नर हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ. मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप थोड़ा सा आकर यहाँ पर देखिए, यहाँ का माहौल का जायज़ा लीजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, कितनी परेशानी हो रही है उन लोगों को देखकर हम लोगों का कुछ तो भी मसला हल कीजिए आप लोग. आप तो और ये एरिया है वार्ड नंबर 25 हक कॉलोनी, वार्ड नंबर 25 से बात, वार्ड नंबर 25 और हक कॉलोनी है, मस्जिद सुगरा के सामने ठहरकर हम लोग बात कर रहे हैं. यहाँ से आप आकर थोड़ा सा जायज़ा लेकर हमारे जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा आप. नाम आपका? मेरा नाम MH अहमदुद्दीन बहमनी है, मेरे वालिद का नाम MH अलाउद्दीन बहमनी है. परेशानी है आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे डेनिस बने जा रहा, वहाँ पे डेनिस बने जा रहा, 4-5 दिन के ऊपर हो गया, सब पूरा खोल डाले, आज तक बने नहीं, कोई आने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है. एक तो 8-10 साल से एक बार रोड बने, वो भी थोड़े दिन पहले, परसों, ठीक है, वो जब बने उससे पहले इसकी क्या बोलते हैं हमारी नल की पाइपलाइनिंग कर रहे थे, वो जब रोड डालने के वास्ते गए तो रोड डालने टाइम पे वो 24/7 का जो वाटर पाइप है वो भी तोड़ डाले सब. उसके बाद लोगों के लाइट के वायरन तोड़ डाले जो अंदर से थे, वो हो गया. वो होने के बाद रोड पड़े, चलो भाई जो भी हुआ हुआ मान लिया हम लोग, अच्छा हुआ बोलकर समझे. उसके बाद में 1-2 महीने गया ये डेनिस के लिए बोलकर सो पूरा खोद डाले, और अभी तक 4-5 दिन से ऐसे ही पड़े हुआ है. नहीं और कोई इमरजेंसी आ रहा है और क्या, बना रही भी नहीं जल्दी टाइम पे, और जब क्या है खोद देते रहते हैं लोग, मगर क्या है टाइम पे चलते ना. अभी 4 दिन से आप लोग देख रहे हैं, 4-5 दिन से तो खाली चैम्बर ऐसी रखे हुआ है, ना वो कोई वर्कर आ रहा ना कुछ काम हो रहा. रोड जहाँ पे जो खाली फिलअप कर दें उसके अंदर पूरा अंदर उतर जा रहा है, वो आके देखने करने कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है. अननेसेसरी पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है, कॉलेज सुबह में कॉलेजों को जाने मुश्किल हो रही है, घर के सामने कीचड़ हो जा रहा पूरा, मस्जिदों को आने जाने लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को पूरा नाले के ऊपर से चल के आना पड़ रहा है, पानी का मसला है. थोड़ा कुछ तो भी देखिए, अगर सॉल्व हो सके अच्छा करो. पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट रहे तो एम्बुलेंस ले जाने का कैसा करना? एम्बुलेंस कैसा आती है? लिखाने का मुश्किल है, पहले तो ऑटो वाले नहीं आते इधर, अब एम्बुलेंस कहाँ से आना? एक तो पहले शुरू की रोड खराब, जो रोडा पर सालाल में जो बने थे वो भी रोडा, फिर वो भी खराब हो गए सो है रोडा. तो अब इसमें क्या करना अब समझ नहीं आ रहा, जल्दी कुछ एक्शन लिए तो अच्छा रहता है, बारिश का टाइम है. नहीं तो DC ऑफिस के सामने धरना ही रहेगा हमारा 8 दिन में, अगर 8 दिन के अंदर अंदर ये सब रोडा वोडा का काम और डीनिस का काम नहीं हुआ तो 8 दिन में धरना देने वाले हम DC ऑफिस में. हक कॉलोनी के अंदर मस्जिद सुगरा के सामने कम से कम 15-20 दिन हो गया है, UUD का काम शुरू करके गए हैं, पूरा रास्ता बन हो गए, माजूर लोगों को, अच्छे लोगों को आने के लिए ज़ईफ़ लोगों को भी परेशान है, कोई आ रहा नहीं, पूछ रहा नहीं, देख रहा नहीं, क्या है ये UUD का, कौन है इसका देखभाल, क्या कुछ इसका कोई लावारिस के जैसा फेंक दिए और चले गए ऐसा ही, इसके कोई तो भी है ना मैनेजमेंट ने इसका
ना कोई ढंग से काम हो रहा, इधर से बना रहे हैं सीसी रोड, इधर से फिर तोड़ रहे हैं, फिर सत्यानाश कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये न्यूज़ हमारे MLA साहब तक पहुँचे हक कॉलोनी के नौजवान बच्चों की तरफ से, इंशाल्लाह इसमें काबिल से बड़े इलियास भाई की भी बहुत जिम्मेदारी के मशहूर रिपोर्टर हैं इलियास भाई, हर अच्छे या बुरे इसमें सुख दुख में कौम के लिए इधर के लिए काम कर रहे हैं इलियास भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सर बुलंद करे और उनकी उम्र में दराज करे, उनको सेहत दे, हर काम में पहल करते हैं इलियास भाई इंशाल्लाह। तो इसमें UGD के जो जिम्मेदारान हैं इनके लिए मस्जिद के सामने, मस्जिद सुगरा के सामने पड़ा हुआ है 15-20 दिन से, वार्ड नंबर 25 से कोई आ रहे नहीं, कोई देख रहे नहीं, इसका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल होए, नहीं बोले तो हम ये फिर प्रेस रिपोर्ट बना के कमिश्नर के पास जाने वाले हैं इंशाल्लाह, अगर इसका कोई अगर रिजल्ट नहीं मिला हमको सलूशन। ठीक है, मैं इतना बात करते हुए मेरी बात